हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैरी चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही विशेष बात करने वाली हूँ आप सभी से, क्योंकि ये बहुत ही खास बात है और बहुत ही आजमाई हुई है और ये एक थेरेपी से ली गई है। तो जानेंगे पूरे वीडियो में, सुनते रहिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बताने वाली हूँ कि बांझपन का इलाज करने के लिए नेचुरोपैथी में एक साइकिल बताई गई है जो कि बीजों को खाके बनाई जाती है। अब मंथ के अलग अलग समय में जब महिला के शरीर में अलग अलग बदलाव आते हैं तब अलग अलग बीजों का प्रयोग किया जाता है और इसको हम सीड साइक्लिंग कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये सीड साइक्लिंग से क्या होगा, पूरा वीडियो देखें और पूरे अच्छे तरह से समझने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, पीरियड के पहले दिन से 15 दिन अगर हम एक आइडियल 30 डेज का या 28 डेज का साइकिल लेते हैं, मैं उस अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, आपका जितने डेज का साइकिल हो आप उसके अकॉर्डिंग काउंट करिए, 50-50, आधा आधा दो पार्ट्स में अपनी साइकिल को डिवाइड करना है आपको। तो जो पहला फेज होता है शुरू के 15 दिन अगर हम मानते हैं, वो होता है फेज जिसमें कि आपका एग तैयार होता है, बनता है। तो उस समय आपके एग को बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ओविलेशन के बाद जब दूसरा फेज चालू होता है उस समय आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन की सही मात्रा का होना जरूरी होता है जो कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है गर्भधारण के लिए और प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए 9 महीने तक। लेकिन जिनको बिल्कुल सही से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन बॉडी में नहीं हो रहा है, या फिर 35+ हैं, ज्यादा एज हो गई है, या लाइफस्टाइल रीजन से वो बांझपन के शिकार है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, हार्मोन जो है कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे, उनके लिए चीज बहुत फायदेमंद है। अब मैं अब आपको बताऊंगी कि ये चीज आपको लेनी कैसे है। तो फ्रेंड्स, जो पहले 15 दिन होते हैं पीरियड के पहले दिन से 15 दिन तक का समय, वो आपका होता है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में आपको लेना चाहिए फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड का मिक्सचर, एक एक चम्मच आपको लेना चाहिए। और इसके बारे में, क्योंकि आप ले रहे हैं तो अगर आप जानेंगे कि इसको लेने से बॉडी में होगा क्या, तो चीजें बहुत इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि हमारे फिजिकल इफर्ट के साथ हमारी साइकोलॉजी भी वर्क करती है और ये हमारे हार्मोन्स पे बहुत डायरेक्ट इफेक्ट आती है। तो ऐसा है कि जो फ्लैक्सीड है उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन नाम का पदार्थ होता है। तो ये अगर हार्मोन का लेवल रिक्वायर्ड से लो है और रिक्वायर्ड से ज्यादा है तो उसको मेंटेन कर देता है, एक ऑप्टिमम लेवल जो होना चाहिए बॉडी में अच्छे एग प्रोडक्शन के लिए, एग रिलीज के लिए, उसको ये मेंटेन करता है। साथ ही पम्पकिन सीड जो होता है उसमें जिंक होता है, जिंक और सेलेनियम, ये दोनों चीजें हमारे अच्छे एग के प्रोडक्शन के लिए, मैंने एग क्वालिटी के वीडियो में भी बताया था कि जिंक और सेलेनियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एग की क्वालिटी के लिए और ओविलेशन के लिए। तो ये दोनों चीजें पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड में अवेलेबल होती है। सो यू हैव टू टेक फ्लैक्स सीड एंड पम्पकिन सीड 1 टीस्पून एवरी डे 15 दिन तक लेना है आपको। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के बाद जो अगले 15 दिन का फेज होता है जिसमें कि आपको इम्प्लांटेशन होता है और प्रेगनेंसी के सिम्टम आते हैं, तो ये जो फेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके दौरान आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए और एस्ट्रोजन का लेवल जो पहले था उससे कम हो जाना चाहिए। तो इस समय आपको तिल आप सभी जानते होंगे, तिल लेना चाहिए, मैं सफेद तिल रिकमेंड करूंगी, और सनफ्लावर सीड्स, इन दोनों का एक एक चम्मच मिक्सचर आपको इस दौरान लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ गया होगा कि तिल तो गर्म होता है, ठीक है गर्म होता है, लेकिन किस रेस्पेक्ट में गर्म होता है वो बात अलग है। हम जिस रेस्पेक्ट में इसको ले रहे हैं उसमें ये बहुत ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि तिल के अंदर लिग्निंस होते हैं, ये एक तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और जो एस्ट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा है जो कि गर्भ ठहरने में रुकावट पैदा कर सकती है, एस्ट्रोजन के रिक्वायर्ड अमाउंट इस समय के लिए, उसको मेंटेन करता है और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके साथ ही जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई होता है। विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फर्टिलिटी से। आप चाहे स्कूल की साइंस की बुक उठा के देख लीजिए, 6, 7, 8 की नहीं, बुक्स में आपको मिल जाएगा विटामिन ई का रोल क्या है फर्टिलिटी। तो विटामिन ई के सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं, जो डॉक्टर सप्लीमेंट देते हैं इनफर्टिलिटी के दौरान उसमें होता है। तो क्यों ना हम नेचुरल सोर्सेज से लें जो कि बहुत हेल्दी है और जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप ये सीड साइक्लिंग फॉलो करते हैं तो इससे आपके हार्मोन्स पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं। अगर ऐसी साइकिल कुछ एक महीने 2-3 महीने लेने से आपकी बॉडी बिल्कुल रेगुलेट हो जाती है,
प्रेग्नेंट होने के लिए। साथ ही पीसीओडी की प्रॉब्लम, हेयर फॉल, थायराइड की प्रॉब्लम, जितनी भी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस के इश्यूज होते हैं, उन सारों पे आप जीत हासिल कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही ऑथेंटिक नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है। इसको बहुत अगर अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए समझ के, तो इसके बहुत ही बेनिफिट हैं और इसको लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, लोगों के आए भी हैं, और अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये वीडियो आप भी देखें, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है उनसे शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। और जो प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा इसी तरह यूट्यूब सहेली।